हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी सुबह का 7 बज रहा है और मेरे परिवार की ओर से आप सभी देशवासियों को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और दोस्तों देखिए, सुबह सुबह इधर दीदी अभी घर का निपाई कर रही है और इधर देखिए बैल सब अभी हम लोग ने निकाले हैं। बैल सब अभी यहीं पर खुटल है दोस्तों। तो चलिए अभी हम चलते हैं महुआ चुनने के लिए। देखिए इधर सूखने के लिए दे दिए हैं दोस्तों। ये कल परसों का चुना हुआ महुआ था काम हमें। और देखिए इधर भी हम लोग का महुआ रखा हुआ है, देख सकते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं, जो आज गिरा है दोस्तों महुआ उसी को चुनने के लिए। उधर आगे तरफ है अंजनी, पहले ही चल गई है। तो चलिए अभी अंजनी के साथ में भी जा कर के महुआ चुनते हैं। और दोस्तों हम पहुंच गए हैं। देखिए अंजनी अभी इधर चुन रही है का, देख सकते हैं। अभी अभी आई है, देखिए इतना सा चुन ली है और इधर एकदम पूरा है, देख सकते हैं। और उधर आगे तरफ भी है। आज हम लोग को 2 ठो महुआ बिछना है, 2 ठो पेड़। चलिए अभी आप लोग को और 1 ठो पेड़ दिखाते हैं। देखिए 1 ठो ये पेड़ है और 1 ठो वो आगे वाला। तो चलिए वहाँ पर भी जाकर देखते हैं कि कितना सा गिरा है महुआ। सो इधर तो एकदम पूरा गिरा है। देखिए नीचे में भी बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर पत्ता उत्ता है ना, इसलिए उतना अच्छा से नहीं दिख रहा है। और इधर एकदम पूरा साफ है। तो चलिए अभी हम भी चुनते हैं, नहीं तो धूप हो जाएगा दोस्तों और महुआ सब सूखने लगेगा, तो चुनने में उतना मन नहीं लगेगा। देखिए ये सब सूख करके और छोटा छोटा हो जाता है ना, तो चुनने के टाइम उतना अच्छा नहीं लगता है। चलिए अभी जल्दी से चुनते हैं। देखिए इधर 1 ठो टोकरी रखा हुआ है और 1 ठो ये वाला है। तो चलिए अभी हम इसमें चुनते हैं। अंजनी उधर से चुनते जा रही है, अभी हम ये जगह से शुरू करेंगे। चलिए देखिए अभी महुआ चुनना शुरू कर दिए हैं, एकदम पूरा 1-1 ठो चुन करके और एकदम पूरा सबको साफ करना है। सोच सकते हैं कि कितना लेट लगेगा। तो एकदम देखिए 1 ठो पूरा मेहनत लगता है दोस्तों महुआ चुनने में। चलिए दोस्तों, देखिए इतना सा भर गया। अब चलिए अभी यहाँ पर रख देते हैं। देखिए इतना सा हम लोग चुन लिए हैं का। देखिए अंजनी अभी उधर चुन रही है और अभी हम इधर नीचे तरफ चुनेंगे। तो चलिए अभी जल्दी से चुनते हैं। इधर एकदम पूरा ख़त्म हो गया, बस इधर बचा हुआ है उधर आगे तरफ और उधर बचा हुआ है। दोस्तों देखिए हम लोग का 1 ठो टोकरी पूरा भर गया, देख सकते हैं एकदम पूरा भर गया है। अब चलिए और थोड़ा बीज लेते हैं, उसके बाद घर जाएंगे दोस्तों खाना वाना खाने के लिए, क्योंकि तत्न भी नहीं किए हुए हैं और बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है। चलिए अभी और थोड़ा चुन लेते हैं, उसके बाद चलते हैं घर। दोस्तों हम लोग पूरा महुआ बीज लिए, एकदम पूरा साफ हो गया। और उधर अभी अंजनी 1-2 ठो खोज खोज के और चुन रही है। तो चलिए अभी चलते हैं दोस्तों घर की ओर। देखिए ये भर गया और उधर भी भर गया है 1 गमला। और दीदी और मम्मी नीचे वाला पेड़ को बीच रहे हैं, ये वाला हम और अंजनी बीच करके ख़त्म कर दिए। मम्मी लोग खाना वाना खा करके आई है। अब चलिए अभी हम लोग चलते हैं, इसको ले जाएंगे और खाना खाएंगे।
दोस्तों देखिए अंजनी उठा ली है महुआ को और घर की ओर जा रही है। तो चलिए अभी हम भी चलते हैं घर। हम घर आ गए दोस्तों और देखिए अंजनी यहाँ पर महुआ को रख दी है। अब इसको यहाँ पर घाड़ देगी। देखिए इधर पहले का महुआ है वो सब सूख गया है, उतना अच्छा से नहीं सूखा है। अब इसको ये जगह खाली है, यहाँ पर घाड़ देगी। तो चलिए अभी दातुन उतुन करके खाना वाना खाते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं, देखिए इधर दीदी सब भी महुआ चुन करके आ गई और अभी दीदी यहाँ पर बर्तन धो रही है और देखिए मम्मी अभी इधर प्याज में पानी डाल देगी और अभी हम यहीं पर नहाएंगे, नहा लेंगे फिर जाएंगे घर खाना खाने के लिए। देखिए इधर अभी नानी सो करके प्याज का खेत में जा रहा है पानी, तो मम्मी इधर अभी पटाएगी पूरा बारी को और दीदी इधर बर्तन धोएगी और अभी हम नहाएंगे। तो चलिए अभी झट से नहा करके और खाना खाने के लिए चलते हैं घर। हम अच्छे से नहा लिए दोस्तों, तो नहाने में एकदम पूरा मज़ा आ गया। अब चलिए दोस्तों चलते हैं घर। देखिए मम्मी लोग अभी प्याज में पानी डाल देगी, उसके बाद दीदी बर्तन धो लेगी, उसके बाद इन लोग पीछे से आएगी दोस्तों। तो चलिए अभी हम चलते हैं, बहुत ही मज़ा आ गया। हम घर आ गए दोस्तों। अब चलिए देखिए ये जो हम लोग का देसी ग्रिल गेट है इसको खोलते हैं। देखिए खोल दिए। अब चलिए अभी खाना वाना बांट करके और खाते हैं। देखिए इधर रखा हुआ है आलू बैंगन का सब्जी और यहाँ पर माड़ भात। तो चलिए अभी बांटते हैं और अभी खाते हैं। हम खाना बांट लिए दोस्तों, देखिए माड़ भात और इधर बैंगन का सब्जी। तो चलिए अभी खाते हैं। बहुत ही टेस्टी, खाने में मज़ा आ गया। जानबे करते हैं दोस्तों कि गर्मी के दिन में माड़ भात कितना अच्छा लगता है। इसको जो गांव देहात से होंगे वही जानते होंगे, अधिकतर गांव देहात के लोग ही माड़ भात खाते हैं, शहर वाले लोग माड़ भात नहीं खाते हैं। चलिए हम फटाफट खाते हैं। हम अच्छे से खाना खा लिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में जो जो नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।